धाम में दुनिया के करोड़ों भक्तों की आस्था है, लेकिन एक और केदारनाथ का निर्माण हो रहा है। दरअसल दिल्ली में केदारनाथ की तर्ज पर ही एक मंदिर बन रहा है, लेकिन इस पर विवाद क्यों हो रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ भगवान शिव का धाम, भक्तों की आस्था का केंद्र। शिव के इस लोक तक पहुंचना करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए जीवन का सबसे बड़ा मकसद होता है। रास्ते की तमाम मुश्किलों को सहते और झेलते आस्थावान केदारनाथ पहुंचकर भगवान के इस स्वरूप का दर्शन कर खुद को धन्य मानते हैं। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचते हैं, लेकिन आपको खबर मिले कि उत्तराखंड में अवस्थित केदारनाथ जैसा एक और मंदिर वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर बन रहा है, तो आपको हैरानी भी होगी और जहन में कई सवाल भी उठेंगे। इस वक्त केदारनाथ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के निर्माण से केदारनाथ में मौजूद पुजारी और कई भक्तों का गुस्सा भड़क गया है। बुराड़ी में बन रहे नए केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन हो चुका है और अब इस पर हंगामा खड़ा हो गया है। नाराजगी जताने वालों में तीर्थ पुरोहित, स्थानीय कारोबारी और कई स्थानीय लोग भी शामिल हैं। विरोध करने वाले दिल्ली में केदारनाथ जैसे मंदिर निर्माण को धर्म का हित बताने वाला फैसला बता रहे हैं। ये अनादि काल से स्थित यह दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। 10 जुलाई को बुराड़ी में इस प्रतीकात्मक मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन उसके बाद से इस मसले पर विवाद बढ़ चुका है। हालांकि भूमि पूजन के दौरान सीएम धामी ने नए मंदिर को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार से जोड़ा था। पूज्य धाम बन रहा है, बहुत एक ऐसा केंद्र बनेगा ये आने वाले समय में, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सनातन के प्रसार प्रसार के लिए, अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे सभी लोगों को जोड़ने के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में। मुख्यमंत्री धामी के बयान से ठीक उलट दिल्ली में मंदिर निर्माण के फैसले के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। विरोध करने वाले कह रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर से उनके इलाके की पहचान है, लेकिन इस पहचान को मिटाने की साजिश की जा रही है। श्री केदारनाथ का प्रतीकात्मक स्वरूप जो दिल्ली के बोराड़ी में स्थापित किया है, वहाँ पे भूमि पूजन किया है, यहाँ से शिला लेके उसका शिलान्यास किया है, वो सब हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हमारा जो पारंपरिक जो हमारा धर्म है, जो हमारी आस्था है, उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे जो घाटी है उसको बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है। केदारनाथ में विरोध प्रदर्शन व्यापक तौर से होता दिख रहा है, वैसे हालात बिगड़ने से पहले संभालने की कोशिश भी चल रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ कमेटी की ओर से बयान दिया गया है कि बुराड़ी के मंदिर निर्माण से उत्तराखंड सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री धामी श्रद्धालुओं के आग्रह पर ही भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। दिल्ली में बुराड़ी के पास बन रहे मंदिर के समर्थन में कई दलीलें दी जा रही हैं। मसलन केदारनाथ धाम के कपाट साल में 6 महीने बंद रहते हैं, ऐसे में भक्तों के पास दर्शन करने के लिए एक विकल्प होगा, लेकिन विवाद भड़का है तो सियासत भी सुलग रही है। बीजेपी के स्थानीय नेता विरोध के पीछे कांग्रेस का हाथ देख रहे हैं। अब जब मंदिरों का निर्माण होता है तो मंदिरों के निर्माण का उनके कांग्रेस के लोगों के द्वारा उसका विरोध किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत बात है। विरोधी नए मंदिर के निर्माण को धार्मिक मर्यादा के खिलाफ बता रहे हैं। इसकी वजहों में केदारनाथ के आंकड़े भी हैं। पिछले साल यानी 2023 में देश विदेश से करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन किए थे। इससे कारोबारियों के अलावा अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों की भी काफी कमाई हुई थी। सिर्फ एक सीजन में कुल कारोबार 211 करोड़ रुपए का हुआ था। यहाँ तक घोड़े और दूसरे पशुओं के जरिए तीर्थयात्रा को केदार मंदिर तक पहुँचाने वालों को भी
100 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाली कंपनी ने करीब 75 करोड़ रुपए की कमाई की थी। चारधाम यात्रा से राज्य सरकार को भी 7500 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। आस्था, जीवन यापन और धर्म की मर्यादा, ये सब मिलकर किसी मंदिर की महत्ता तय करते हैं। जाहिर है दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर के विरोध में ये तमाम बातें जुड़ी हुई हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।